दोस्तों, हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं है। इस वीडियो को देखने से पहले आपको बता दें कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट के थ्रू ली गई है और ये सारी की सारी हमारी पर्सनल रिसर्च स्टडी है। इस वीडियो में स्पॉन्सर कंटेंट भी हो सकता है, तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें उससे पहले आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी तरफ से भी सारी स्टडी और रिसर्च को कर लीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके द्वारा की गई कोई भी इन्वेस्टमेंट, लीगल इंजरी या फिर ट्रेडिंग के प्रॉफिट या लॉस दोनों की हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल, सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। आई होप दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड संडे लाइव में आप सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि यहां पर प्रॉपरली वीडियो चल रहा है कि नहीं, एंड आप लोग भी मुझे कंफर्म कर दीजिए कि प्रॉपर आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। एक बार आपके कमेंट्स देख लेता हूँ। हाय केवी भाई, कैसे हैं आप? 2021 टारगेट किस चीज़ का क्रिप्टो डॉग भाई? द फ्यूचर डॉट ईजी जूल्ड, ओके सब करते हैं। पहले मुझे बता दीजिए कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। एडा इस नेक्स्ट सोल, नहीं एडा नेक्स्ट सोल नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुका है उसमें जितना था। क्लियर वीडियो, क्लियर क्लियर। थैंक यू अर्पिता जी, थैंक यू मोहम्मद जी, थैंक यू क्रिप्टो कैचेस बाय। ओके, तो सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लो नहीं कराए तो, और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कराए तो डेफिनेटली कर लेना। पहले थोड़ी सी बिटकॉइन की बात कर लेते हैं, कल मैं वीडियो नहीं बना पाया था तो। हाँ, लास्ट वीडियो में हमने ये चीज़ डिस्कस करी थी कि मार्केट का ये वाला जो लेवल है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बिटकॉइन क्लोजिंग नहीं देता है तो बिटकॉइन को झटका लगेगा और बिटकॉइन कहीं ना कहीं नीचे 43,000 तक ड्रॉप कर सकता है। और आप स्थिति देख ही सकते हैं, थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया था विक मार के, बट इनडायरेक्टली बोले तो कहीं ना कहीं मार्केट स्टिल इसको अच्छा खासा रजिस्ट कर रहा है। आप इस वाले को चाहो तो थोड़ा बड़ा छोटा कर सकते हो। तो जब तक मार्केट इसके ऊपर क्लोज नहीं करता है हम बेयरिश ही रहेंगे एंड 43,800 के टारगेट का वेट यहाँ पे करने वाले हैं। इसके साथ जो मैंने चार्ट पे अभी मतलब थंबनेल पे जो चीज़ डाली थी वो बेसिकली ये वाला है। अब पॉसिबल सिनेरियो है, अभी तो बना नहीं है, बट अगर ऐसा कभी गलती से बन जाता है तो ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात हो सकती है बिटकॉइन के लिए, क्योंकि बिटकॉइन जिस तरीके से मोमेंटम दे रहा है ये कहीं ना कहीं डिसेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन हमें दिखा रहा है। हालांकि अगर आप दूसरे प्रोजेक्ट से इसको कंपेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम सोल की बात कर लेते हैं, सोल यूएसडीटी, तो सोल के अंदर भी यहाँ पर इसी तरीके का एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बना था और ये बनने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक कर गया था यहाँ से। बट बिटकॉइन के केस में मे बी पॉसिबल हो मे बी पॉसिबल ना हो कि ये ऊपर ब्रेक करे, एंड इसके साथ साथ इसका टाइम फ्रेम भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि इसका एंड पॉइंट जुलाई 2022 आ रहा है, मतलब इसका ब्रेकआउट फिर हमें मार्च 2022 तक मिलेगा। तो अभी तो कहना इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट जिस तरीके का सिनेरियो प्ले आउट हो रहा है और मार्केट अगर आपका 41,000 की जो रेंजेस है 41-42 यहाँ से वापस से बाउंस नहीं करता है तो ये चीज़ फिर कंफर्म हो पाएगी कि मार्केट कहीं ना कहीं डिसेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन यहाँ पे दे सकता है। तो थोड़ा सा कॉशियस रहना, हो सकता है कि ये बहुत लंबे समय के लिए भी यहाँ पे साइडवेज में चला जाए। बाकी मैं रेगुलर अपडेट तो आपको करता ही रहूँगा जो भी मार्केट की कंडीशन चल रही हैं, एंड करेंटली जो मैंने आपको बताया आप उसके ऊपर ध्यान दे सकते हो बिटकॉइन के टर्म्स के अंदर। तो यहाँ पर भी आप शॉर्ट टर्म में इसी चीज़ पर फोकस कर सकते हैं। वहीं पर इथेरियम के हिसाब से आप बात करना चाहें तो इथेरियम ने ये वाले सपोर्ट को अच्छा खासा मतलब कह सकते हैं कि बाउंस देने की कोशिश करी है, दोबारा से बाउंस आया है, लेकिन करेंटली एक लोकल रेजिस्टेंस यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा है जो कि आपको 1 आवर में देखने को मिल जाएगा इस पॉइंट पे। हालांकि एक असेंडिंग ट्रायंगल है, ये बुलिश पैटर्न होता है अगर आप इसको यहाँ से कंपेयर करते हो, बट स्टिल जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होगा 3346 या $3,350 के ऊपर तब तक हम इसको बुलिश नहीं मान सकते क्योंकि स्टिल मार्केट डाउनवर्ड में, और यहाँ पे ज़्यादा चांसेस यही बन सकते हैं कि मार्केट इसको नीचे की तरफ पुश करने की कोशिश करेगा। बिटकॉइन गिरेगा तो इथेरियम को भी वो लेके डूबेगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखें कि जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होता तब तक कोई भी ट्रेड हमें नहीं मिल पाएगा। ब्रेकआउट होने के बाद आप टारगेट डेफिनेटली इसकी हाइट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं तो ये आपको 3,500 तक मिल जाएगा, लेकिन ये ब्रेकआउट नहीं हो रहा है तो हम शॉर्ट की पोजीशन देखेंगे जब भी ये ब्लू लाइन यहाँ पे ब्रेक होती है, तो इसकी अपडेट फिर मैं आपको कल तक यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा। चले आते हैं आपके क्वेश्चंस पे, उनको भी साथ में यहाँ पे ले लेते हैं। ओके, एंड प्लीज आप लोग एक बार में एक ही क्वेश्चन लिखना क्योंकि बहुत सारे हो जाएंगे तो मैं भी ज्यादा ले नहीं पाऊंगा क्वेश्चन। नहीं तो फ्यूचर ऑफ डॉट ईजी, ईजी डॉट का तो फ्यूचर ठीक है, जूल्ड एंड चेंज का इतना हम कह नहीं सकते, जूल्ड वैसे भी बीच में हैक हो गया था
तो वो कहना थोड़ा सा मुश्किल है, पर डॉट का तो सही है क्योंकि डॉट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो इथेरियम जैसा ही है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंसेस आपको देखने को मिल जाते हैं और फास्ट कह सकते हो थोड़ा सा। अभी अडॉप्शन हुआ नहीं है इसका प्रॉपरली, बट आने वाले टाइम में अगर अडॉप्शन होता है तो इसको भी आप एक अच्छे लेवल पे देख सकते हो। इजी की आप बात कर रहे हो तो इजी भी सही है, सेकंड लेयर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, अभी तक तो बेटर रहेगा जब तक की सीरीज चल रही है। हालांकि लास्ट टाइम से ब्रेकआउट इसका हुआ नहीं है जो हम लोगों ने पिछली बार देखा था यहाँ पर, तो अभी इसका वेट करना पड़ेगा। आई थिंक थोड़ा सा आपको डाउनवर्ड में और मिल सकता है $4 के आसपास में, तो यहाँ तक हम इसका वेट करेंगे। ये वाला सपोर्टिव लेवल अगर ब्रेक हो जाता है इजी के अंदर दैन फिर हमें $4 के आसपास मिल जाएगा, लगभग कितना है 4.3-4.5 के बीच में। प्लीज सजेस्ट मी टॉप 10 कॉइन फॉर नेक्स्ट BTC हैलविंग 2024 फॉर मंथली SIP। ये मंथली SIP बेसिकली देखो मैं इतना वो तो नहीं है, एक सेकेंड, अब ये आप टॉप 10 ही ले लो, ज़्यादातर यही बेटर रहते हैं, बट ये भी चेंज होते रहते हैं समय के साथ। तो SIP करना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा कि आप कौन से प्रोजेक्ट को लेके चलोगे। जैसे आज सोल की हाइप है, कल को अगर इसकी हाइप ख़त्म हो गई, नहीं चल पाया प्रोजेक्ट, तो ये भी हो सकता है कि 17-18 पे पड़ा हो। इस तरीके से चेंजेस आते हैं, तो SIP करने के लिए बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा। मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, लेकिन इसके लिए ज़्यादातर चांसेस तभी बनते हैं जब आपका मार्केट बॉटम आउट के कगार पे हो। जैसे कि अभी क्या हम लोगों ने टॉप नहीं लगाया बिटकॉइन का, अगर हम पिछली साइकिल के हिसाब से देखें तो टॉप 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख कहीं पर भी जा सकता है, अभी हमें नहीं पता वो चीज़। लेकिन मेनली जब आपका बियर मार्केट ख़त्म होता है, जैसे यहाँ पे ख़त्म हुआ था, या फिर आप बात करेंगे तो यहाँ पे ख़त्म हुआ था बियर मार्केट, इसी तरीके से यहाँ पे, तो इसके बाद में फिर आप चॉइस अगर करते हो 10 कॉइन को, तो वो ज़्यादा पोटेंशियली रखते हैं, क्योंकि बियर मार्केट में क्या होगा, जो भी बेकार प्रोजेक्ट्स, जो भी सारी चीज़ें, वो सब छट जाएंगी, फिर आपके पास एकदम फ्रेश कॉइन्स रहेंगे उस टाइम पर। तो यहाँ से SIP करना भी बेटर है, या फिर आप इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म भी छोड़ सकते हो। बाकी मेरे हिसाब से अभी 2 कॉइन तो है ही आपके पास, बिटकॉइन और इथेरियम, इसके अलावा BNP सही है क्योंकि मतलब इंटरनेशनल एक्सचेंज और अच्छे से वर्क कर ही रहा है, तो आप तीसरा इसको मान सकते हो। साथ में अगर कॉइन की और बात करें तो मैं Polkadot ले सकता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा बेटर रहेगा आने वाले टाइम में। यूनिस्वैप बेटर रहेगा क्योंकि इनका भी खुद का कह सकते हैं कि डेक्स है जो कि वर्किंग कर रहा है। ICP पे मेरी नज़र है, हालांकि थोड़ा स्लो मोमेंटम दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये जो अचीव करना चाह रहे हैं वो हो जाता है तो इनके लिए एक अच्छा होगा। Avalanche एक मेरी कैटेगरी में रहेगा, इनका भी खुद का आप कह सकते हैं कि चीज़ें हैं। FTT टोकन को आप देख सकते हो। इसके बाद VeChain है, Atom है, Tezos है, EGLD है, इसके अलावा आप देखो तो आवे है, केक है, और मतलब आपको थोड़े से प्रोजेक्ट के फंडामेंटल्स भी देखने पड़ेंगे। एक नियो है, कुसामा है, तो ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मैं SIP के लिए देख सकता हूँ। एक हुबोई टोकन, कंपाउंड, यस कंपाउंड भी है हमारे पास, तो ये कुछ टोकन है जिनको कि अगर SIP के लिए देखना है तो मैं इन पे थोड़ा ट्रस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि बियर मार्केट में भी ये ज़्यादा दिक्कत नहीं देंगे हम लोगों को। ADA USD और SLP USD बाय प्राइस, ADA का देख लेते हैं। ADA का जो बाय प्राइस है वो 2.17 के आसपास है, ये लास्ट टाइम मैंने यहीं पे लगाया था, तो अगर दोबारा से इस जोन पे मिलता है तो बेटर रहेगा। 4 आवर के अकॉर्डिंग भी आप देखते हो। पहला सपोर्ट तो देखो आपको मिलेगा $2.3 के आसपास में, मतलब कि ये वाले सपोर्टिव रेंज पे 2.3-2.4 के बीच में। यहाँ पे मार्केट आके दोबारा बाउंस करता तो एक बीट हम यहाँ पे डाल सकते हैं एंड दूसरी बीट हम 2.17 के आसपास डाल सकते हैं इस जोन पे, क्योंकि यहाँ तक भी मार्केट आएगा तो इसको कहीं ना कहीं बाउंस करने के लिए मौका मिल जाएगा फिर से। इसको एक मिनट रिमूव कर देता हूँ मैं। ये आप इसके पिछले हाई को देख सकते हो यहाँ पर 2.2-2.1 के आसपास में, तो ये वाला जो मोमेंटम है यहाँ पे आता है तो बेटर है। स्टॉप देख सकते हैं $1.8 के नीचे, एंड टारगेट्स की अगर आप बात करते हो यहाँ से अगर मार्केट मूव करता है तो लगभग $4 तक का एक मिनिमम टारगेट होगा एंड 5.6, दो टारगेट हमारे पास यहाँ पे रह सकते हैं। इसके अलावा SLP ने परफॉर्मेंस नहीं दी है, लास्ट टाइम मैंने वीडियो बना के अपडेट भी करा था कि ये है और इसमें ये लेवल ब्रेक होना चाहिए, तो ये ब्रेक हुआ नहीं है, नीचे ब्रेक कर गया है। तो करेंटली आपके पास एक लास्ट सपोर्ट मिलेगा इस जोन पे 0.08, यहाँ से अगर कोई बाउंस बैक देखने को मिल जाए तो भी मैं ये बोलूँगा कि आप कन्फर्मेशन का वेट करना। अगर ये बाउंस भी मिलता है तो मार्केट को इसके ऊपर एटलीस्ट ट्रेड होने देना, अगर ये होता है तो हमारी एंट्री फिर इस पॉइंट पर बन सकती है। अगर ये चीज़ नहीं बन पाई उस टाइम तो कहीं ना कहीं SLP अपने निचले स्तर पर आ जाएगा फिर, जो कि 0.027 है, तो फिर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का कोई सेंस बनेगा नहीं। इसलिए मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि ये लेवल इंपॉर्टेंट है ब्रेक होना। अगर हम यहाँ से जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट इज ओके, बट इसके ऊपर ब्रेक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। VAT और ICX,
वेट में भी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा इसी जोन का, जो हमने लास्ट टाइम मार्क करा था 0.096, यहाँ पर अगर मिलता है तो हम थोड़ा इंटरेस्टेड हो सकते हैं, बट अभी कंटिन्यूसली ये डाउनफॉल कर रहा है, तो यहाँ से अप ट्रेंड की तरफ जब तक रिवर्सल नहीं होगा तब तक थोड़ी सी दिक्कत रहने वाली है। ICX की अगर आप बात करते हो, ICX में जस्ट अभी है ना वीक मार के आया है प्राइस, अगर आप फिर भी देखना चाह रहे हो तो एक तो यही जोन है हमारे पास करंट 1.15 का, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट जोन आएगा वो यहाँ पर है 1.13। अगर इस जोन तक मार्केट आपका ड्रॉप कर जाता है तो ये एक अच्छी खासी लेवल आपको मिल जाएगा, तो मैं बोलूँगा आप थोड़ा सा वेट करो एक बार, या तो इस जोन पे आके अगर मार्केट को कोई बाउंस मिलता है, मतलब मार्केट यहाँ पे आता है, यहाँ पे आके कोई डबल बॉटम या फिर कुछ समथिंग समथिंग फॉर्म करता है, देन हमें एक रिवर्सल मिल सकता है, नहीं तो आप आराम से वेट करना, फिर इस वाले जोन में दोबारा से री एंट्री मिल जाएगी, क्योंकि बिटकॉइन अगर गिरेगा तो डॉलर पेयर सारे गिरेंगे उसके साथ साथ में। मैं ठीक हूँ लोकेश भाई, आप बताएं। EPS USD ADA SLP मैंने बता दिया, EPS देख लेते हैं। ओके, EPS ने मेजर सपोर्ट ब्रेक कर दिया है, तो अभी के लिए तो हमारे पास कोई भी बाय जोन नहीं बनेगा, ये ही बस लास्ट जोन था इस पॉइंट पे। अब अगर आप इसको देख भी रहे हो EPS को, तो करीबन करीबन आपको इस जोन के आसपास में भी एक बाय जोन मिलेगा 0.051 के आसपास में, क्योंकि मार्केट जब तक अब इसको ब्रेक करके वापस ऊपर नहीं आएगा ना, तो ये ऊपर नहीं भाग पाएगा, तो कंटिन्यू अगर ये ऊपर भी जाता है तो यहाँ से टकरा के नीचे आने की पॉसिबिलिटीज़ की ज़्यादा रहेगी इस तरीके से। तो आप थोड़ा सा फोकस करें कि यहाँ पे क्या चीज़ हो पाती है। मेरे अकॉर्डिंग तो ये है कि अगर ये जोन पे प्राइस आता है तो बेटर रहेगा, बाकी शॉर्ट टर्म यहाँ पे प्राइसेस में डेफिनेटली अप मोमेंटम आ सकता है। अगर आप शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो छोटा सा एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, अपसाइड ब्रेक करेगा तो टारगेट 0.03, और डाउनसाइड यानी कि 0.061 को ब्रेक करता है तो 0.52 पे आप एक टारगेट लेके चल सकते हो। डॉट टारगेट प्लीज, डॉट के टारगेट देख लेते हैं। प्रोजेक्ट के हिसाब से देखें तो नया ही है, ज़्यादा कुछ चेंजेस इसमें है नहीं, बट अप्रॉक्स अगर आप फिर भी देखना चाहते हो तो मेरे अकॉर्डिंग 127 अभी के लिए एक मिड टर्म टारगेट सही रहेगा, एंड हाईएस्ट टारगेट में $600 लेके चलूँगा, जो इस साइकिल में इसको पहुँचना चाहिए, ये मेरा मेजर टारगेट रहेगा अप्रॉक्स 550 to $600 के आसपास। यहाँ पर इस साइकिल का टॉप अगर लगे तो यहाँ पे लग सकता है, बाकी अगर आप मिड टर्म टारगेट देख रहे हो तो पहला टारगेट तो $50 ही है और दूसरा टारगेट आपका $127 यहाँ पे आ जाएगा, तो डॉट में आपके दो टारगेट सेट कर सकते हो, ये हमारा एंड गोल रहेगा इस साइकिल के लिए। बियॉन्ड प्रोटोकॉल लॉन्च होगा, बियॉन्ड फाइनेंस प्रोटोकॉल अलग है क्या, ये वाला फाइनेंस है। नहीं, आई थिंक यही है बेसिकली, तो लॉन्च हो चुका है, इसमें क्या लॉन्च होना है, अभी तो डाउनवर्ड ही आ रहा है। अगर आप इसको भी देख रहे हो तो सपोर्टिव जोन आपको मिलेगा 0.058 पे। हर पिताजी EPS और डोडो, EPS मैंने बता दिया, डोडो देख लेते हैं। ओके, तो डोडो में जो लास्ट हमने सपोर्ट रेंज बनाई थी 1.2 से 1.3, आप अभी इसी को वैलिड मान सकते हो इसी जोन पे करंट, क्योंकि मार्केट स्टिल डाउनवर्ड में है और जब तक हमें कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे हम स्टिल बियरिश ही रहेंगे, क्योंकि मार्केट को अगर बुलिश होना भी है ना तो इस लेवल को ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है डोडो में, जो कि 1.6 है, और ये जब तक ब्रेक नहीं हो रहा है आप ये चीज़ मानिए कि ये सपोर्ट लाइन ब्रेक हो सकती है, क्योंकि अगर प्राइसेस ने बाउंस भी करा और यहाँ से रिजेक्शन हुआ तो भी इस तरह मोमेंटम आ सकता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये लेवल ब्रेक हो ताकि हम लोगों को फिर मार्केट $2 तक यहाँ पे मिल सके, 2 या 2.1 के आसपास, तो इतना ही अभी यहाँ पर मिल पाएगा हम लोगों को। गुड मॉर्निंग शरीश जी, ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट कैसे करें, वो डिपेंड करता है आपके फिगर्स के ऊपर। अब जैसे मान लेते हैं कि आप $100 का कैपिटल लेकर आए हो फॉर एग्जाम्पल, और आप इसमें प्रॉपरली 4 ट्रेड लेना चाहते हो, तो आप देखो कि एक ट्रेड में कितना आप लॉस कर सकते हो। जैसे मान लो आप $20 लॉस कर रहे हो एक ट्रेड में, तो 4 ट्रेड में उस हिसाब से ट्रेड डालो कि आपका ज़्यादा लॉस ना हो, $20 में आप फिर निकल जाओ। तो ये एक छोटा सा मैनेजमेंट है जो कि आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। SMG ये भी डाउन ट्रेंड में है आपका करेंटली, क्योंकि मार्केट जो है अगर आप इस पोजीशन से देखते हो,
ये इसका एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। तो मार्केट अगर इसको टेस्ट करके भी ड्रॉप करता है तो हम लोगों को जो सपोर्टिव रेंजेस मिलेंगी SMG में वो इस जगह पे आने वाली है 0.065। मतलब अगर इतना नीचे ये आ जाए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। और अगर यहाँ पे कोई फिर फॉलिंग वेजेस या समथिंग कुछ बनाता है तो फिर बात अलग है। यहाँ पर अभी तो नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ फॉर्म हो रहा है, बट अभी के लिए आप यही मान सकते हो कि मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ पे अगर शफल करता है तो ये सपोर्ट जोन को ये रिस्पेक्ट कर लेगा और शॉर्ट टर्म में यहाँ तक जा सकता है 0.02। बट वहाँ से अगर रिजेक्शन हुआ तो फिर नीचे 75 के आसपास हमें टारगेट मिलेगा। डॉट का फ्यूचर मैंने बता दिया बलदेव जी। हाय संजीव जी, किन वेट लूना, वेट मैंने बता दिया, किन देख लेते हैं। फिलहाल में तो दूर रहना चाहिए आई थिंक इससे, क्योंकि बहुत बड़ी विक मारी है इसने। यहाँ पे आप सपोर्टिव लेवल है, यहाँ से बाउंस दोबारा मिलता है तो वेल एंड गुड, लेकिन आप जो मेजर ट्रेड आपका बनेगा वो इसके ब्रेक के बाद बनेगा 0.00014 डॉलर के बाद। इसके पहले अगर ये सपोर्ट ब्रीच हुआ किसी भी कारण से तो मार्केट इस वाले लेवल यानी कि 0.407 को टेस्ट करने फिर आएगा। तो किन में थोड़ा सा संभल के रहना इस टाइम पे। लूना देख लेते हैं। ओके, लूना का परफॉर्मेंस अभी भी सही जा रहा है। हम ऑलरेडी इसको $8 से कवर करते आ रहे हैं लूना को, एंड लास्ट टाइम मैंने इसी जोन का आपको बताया था कि ब्रेकआउट होगा तो हमें टारगेट मिलेगा 47 तक। अभी इसमें एंट्री तो नहीं है, बट अगर आप फिर भी एंट्री देखना चाहते हो दोबारा से तो मेरे अकॉर्डिंग 34 से 36 के बीच में आपके पास एंट्री आएगी यहाँ पर। और इसके अकॉर्डिंग अगर आप टारगेट देख रहे हो तो आप फिबोनाची लगा सकते हो। पहला टारगेट वही $48 एंड दूसरा इज $76, तो ये दो टारगेट रहेंगे। बाकी अभी करंट प्राइसेस पर एंट्री मिलना थोड़ा सा मुश्किल है कि आप एकदम यहाँ पे घुस जाओ। इससे बेटर है कि अगर कोई भी डिप आता है कुछ होता है तो उसमें हमें फिर एंट्री यहाँ पे ढंग से मिल पाए। पास्ता फाइनेंस अपडेट, पास्ता ओके। तो पास्ता फाइनेंस का अभी यहाँ से रिजेक्शन हुआ है, आप देख सकते हो इस पॉइंट से। तो यहाँ पर हमें 3 डे में तो रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, 4 आवर में एक बार चेक करते हैं। तो 4 आवर में जिसका मेजर सपोर्ट बनेगा वो इस जोन के आसपास है 0.02 के आसपास में, या फिर आप ये पूरा एरिया भी मार्क कर सकते हो 0.02 से 0.03 के आसपास। पर यहाँ तक अगर प्राइस आता है तो बेटर रहेगा इसके अंदर। एंड लिक्विडिटी आई थिंक थोड़ी सी लग तो रही है इस तरीके से, बट प्राइसेस का मोमेंटम ठीक है अभी भी। इसके ब्रेक के बाद मतलब $1 के ब्रेक के बाद ही फिर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो मार्केट है वो मूव करेगा और अपने पिछले हाई को टेस्ट करने जाएगा। ये चीज़ नहीं हो रही है तो फिर आप इसको हेड एंड शोल्डर के फॉर्म में ले सकते हो, शोल्डर हेड, और यहाँ तक अगर प्राइस फिर से इस तरह मूव करता है तो एक शोल्डर फॉर्म कर सकता है आने वाले टाइम में। बट अभी के लिए करंटली डाउनवर्ड ही है तो आप यहाँ इस वाले सपोर्ट पर ध्यान दे सकते हो जो कि आपको 12 आवर के आसपास भी देखने को मिल जाएगा 0.026 के आसपास। बैंड एंड IOXT बैंड अभी भी थोड़ा सा नीचे है, ट्रेड तो यहाँ पे नहीं मिल पाएगा क्योंकि ये वाला लेवल अभी भी रेजिस्ट कर रहा है इसको। हमें जो सपोर्टिव लेवल मिलेगा मार्केट का वो लगभग लगभग इस जोन पे रहने वाला है $6.8। तो यहाँ पर अगर प्राइस मिल जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलता है तो इसको ब्रेक होने के बाद मार्केट अगर 9.5 के ऊपर होल्ड करता है देन आप फिर लॉन्ग की पोजीशंस को देख सकते हैं इस पॉइंट पे, क्योंकि अभी करेंटली मार्केट ने इसको ब्रेक करा है नीचे की तरफ तो इस जोन में कहीं ना कहीं इसको आना चाहिए एक बार टेस्ट करने के लिए। IOTX ओके। तो IOTX ऑलरेडी पंप दे चुका है, लास्ट टाइम मैंने आपको वीडियो में यहाँ पे बताया था, आई थिंक ये मैंने 21 वाली वीडियो में कवर करा था जो मैंने ये वाली बताई थी 21 कॉइन्स वाली इसके अंदर। तो इसका तो अभी फिलहाल में पंप हो गया अच्छा खासा। दोबारा से रिट्रेसमेंट की आप बात करते हो तो मेरे अकॉर्डिंग 0.054 ये एक लेवल होगा जहाँ पे कि हम दोबारा से एक सपोर्ट जोन ढूंढ सकते हैं, और यहाँ पर अगर हमें री एंट्री मिलती है तो टारगेट 0.13 के आसपास लेके चल सकते हैं। मतलब यहाँ पे मार्केट को रुकना चाहिए, इससे नीचे नहीं गिरना चाहिए तो मार्केट फिर यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। बाकी अगर आप एक श्योर ट्रेड लेना चाहते हो तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और इसके बाद फिर यहाँ पे ट्रेड के अंदर जा सकते हैं जब भी इसका ब्रेकआउट हो, क्योंकि फॉलिंग वेज के फॉर्म में ही मार्केट यहाँ पे बन रहा है इस जगह पे। फोर्थ USDT बाय प्राइस, फोर्थ बाय जोन पे ही है अभी तो ये
यही वाला पूरा जोन इसका बाय जोन है, लगभग $13 to $14 के आसपास। स्टॉप आप $12.4 के नीचे देख सकते हो, और यहाँ से अगर बाउंस बैक आते हैं तो मार्केट $23 के हाई को फिर टेस्ट कर सकता है। ये वाला जो रहेगा 23 and 24.4 के समथिंग समथिंग। अरी नहीं, अरी करके तो नहीं है, ICX मैंने देख लिया। अरे ये नाइस वॉइस, थैंक यू क्रिप्टो नॉलेज जी। BTC बढ़ेगा या नहीं, फिलहाल में तो अभी नहीं लग रहे हैं चांसेस उसके कि बढ़ेगा एकदम से। हो सकता है कि सितंबर का महीना हमारा ऐसे ही जाए। एक मैंने चार्ट देखा था कहीं पे, तो उसमें मतलब ये बता रहे थे कि अगर आप पिछली साइकिल को कंपेयर करते हो, एक मिनट इसको मंथली में आते हैं, ये हमारे पास मंथली साइकिल हो गई पूरी। तो मंथली साइकिल में जो सितंबर का मंथ होता है वो थोड़ा सा बियरिश होता है, जो अगर हम इसको काउंट करके देखते हैं पिछली साइकिल से, तो पहला वाला सितंबर ये वाला, फिर अगस्त के बाद सितंबर, फिर से देखते हैं सितंबर, इसके बाद ये सितंबर, जनवरी, हाँ तो ऑलमोस्ट सारे सितंबर मंथ ऐसे ही गए हैं, एक आध को छोड़ दें तो। जैसे ये वाला एक बुलिश था, ये वाला एक बुलिश था, दो, बाकी सारे ऑलमोस्ट एक तीन, तो तीन बुलिश हैं, बाकी सारे हमें सितंबर बियरिश ही देखने को मिले। तो देखने के क्या होता है, अभी मंथ एंड होने में भी टाइम है, क्योंकि ये वाली रैली है ना बहुत हद तक हमें 2013 जैसी देखने को मिल रही है। तो अगर ये इसको रेप्लिकेट कर रही है, तो आप यहाँ देखोगे तो सितंबर मंथ में यहाँ पे भी सेल आई थी और हमें यहाँ पे भी सेल मिली। इसके बाद जो के जो दो महीने होंगे वो हमारा बुल रन ख़त्म कर देंगे, जैसे यहाँ पे मार्केट ऊपर गया था। तो आपका सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इसके अंदर यहाँ पे आप चेक कर सकते हो इस चीज़ को। तो लेट्स सी यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होता है। इसकी साइकिल अगर यही वाली है बहुत हद तक सेम, तो फिर चांसेस ज़्यादा हैं कि हम लोग दो महीने के अंदर अभी अगला बुल रन हमें ख़त्म होता हुआ मिल जाएगा, एंड मैक्स प्रॉब्ली दिसंबर के एंड से पहले पहले। गुड मॉर्निंग क्रिप्टो साइफर जी, कमिंग, ओके थैंक यू मनीष जी। मैटिक 1.5 USD में लिया है, होल्ड और सेल, ओ सॉरी मैटिक डालना था, कितने में लिया आपने, 1.5। अभी हमारा जो सपोर्ट है वो 1.24 है, अगर इसके नीचे प्राइस ड्रॉप होता है तो फिर आपको निकलना पड़ेगा। 1.59 ऑलमोस्ट आपने टॉप पे ख़रीद लिया है, हाँ तो आप इसका वेट कर लीजिए। अगर 1.24 तक मार्केट मतलब इसको बाउंस कर जाता है तो वेल एंड गुड, इसको ब्रेक करता है तो फिर एग्जिट होना पड़ेगा, क्योंकि फिर इसके पास सपोर्ट है $1 और फिर सीधे है $0.69 पे। थैंक यू केबी भाई, DFYN। इसका तो वेट ही करो, आएगा यहाँ तक आराम से। यहाँ पे जब तक कोई चेंजेस नहीं हो रहे ना, मतलब मार्केट अगर इसको इस तरह मूवमेंटम नहीं दे रहा है, तब तक आप ये मान लो कि यहाँ पे मार्केट टेस्ट करके जा सकता है। और अगर आप इसमें कोई ट्रेड भी डालना चाह रहे हो तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगा लो, ये ब्रेक नहीं होगी तब तक आपको अप ट्रेंड नहीं देखने को मिलेगा। C98 इसका रन अप तो अभी ख़त्म हो चुका है, लास्ट टाइम हमने ये वाले सपोर्ट से शायद बात करी थी इसकी, अभी आपको वेट करना पड़ेगा। अब इसमें ये करेंटली तो देखिए डाउन ट्रेंड के अंदर है, शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड है, अगर इसको वापस से अप ट्रेंड में जाना भी है तो इस वाले लेवल को क्लियर करना पड़ेगा 4.2 के आसपास में। ये क्लियर नहीं होगा तो मार्केट कंटिन्यूसली ड्रॉप कर सकता है, और इवन दैट मार्केट नीचे $2.6 तक भी यहाँ पे आ सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। Kindly share your point of view about SRM. SRM के बारे में मैंने वीडियो बनाई थी, आपने नहीं देखी तो जाके देखो, मैंने पूरा डिटेल में समझाया है इसमें। बाकी SRM पे मैं बुलिश हूँ डेफिनेटली, क्योंकि मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है तो कम से कम $37 का टारगेट तो हमें देखने को मिल ही जाएगा। एंड क्योंकि बुल मार्केट की सबसे अच्छी बात ये होती है कि वहाँ पे आपको तीन फेजेस में मार्केट का मोमेंटम देखने को मिलता है, जो मैंने आपको लास्ट लाइव में भी समझाया था। हालांकि बहुत स्पीडली बढ़ रहा है, तो यहाँ पे अगर कोई छोटा मोटा करेक्शन आता है $8-$9 तक तो इट्स ओके, और या फिर इसको मार्केट अगर ब्रेक भी कर देता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट इसको ब्रेक करके इस तरह सपोर्ट भी बना लेता है, तो भी हम 37 तक के लिए एटलीस्ट टारगेट कर सकते हैं। बट मेरा टारगेट $200 पर रहेगा, क्योंकि यहाँ तक मार्केट के जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आप इसको प्राइस वाइज भी काउंट करें तो बॉटम से यहाँ तक अभी मार्केट 4x हुआ है, इस टारगेट पे 14x है, और इस टारगेट पे आके 80x के आसपास होगा। तो कम से कम जिनको सेफ निकलना है वो $30 से $37 के बीच में निकल सकते हैं।
ये एक बेटर ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। बट इसका ब्रेकआउट इंपॉर्टेंट, जब तक $12 ब्रेकआउट नहीं होगा 12.8 या $13, तब तक आपको मार्केट अप जाता हुआ नहीं मिलेगा और स्टिल चांसेस है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर ले और फिर जाए, तो ये चीज़ का भी आप ध्यान रखना। हेलो पन्ना जी, गुड मॉर्निंग अलाम भाई। SXP, ICP, शिबा इनू का बताएं, SSP का इवेंट है। SSP की भी आई थिंक मैंने वीडियो कवर करी थी इसमें 21 वाले में, आपने मे भी देखी हो। तो ये टारगेट तो हमारा कंप्लीट हो गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो। फिलहाल में इसको है ना नीचे आने देते हैं हम लोग 2.19, या फिर ये वाला जो इसका सपोर्टिव रेंज है $2.2, इसके आसपास में आप इसको बाय का देख सकते हो दोबारा से, क्योंकि यहाँ पर अगर जोन में मिलता है तो दोबारा से हम लोग फिर से $3 और $5 का टारगेट लेके चलेंगे। बट वही चीज़ बात है कि यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा मतलब चार्ट में हॉचपॉच भी है और साथ ही साथ आप कह सकते हो कि टाइम लगेगा। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ एक मिनट, वापस क्लियरली ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमारा मेजर लेवल है $5, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक दिक्कत है। और ये नीचे से इसका एक ट्रेंड सपोर्टिव लाइन आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो इस पॉइंट पे। तो मेरे अकॉर्डिंग करेंटली अगर मार्केट नीचे आता है तो ये जोन एक बेस्ट होगा दोबारा से री एंट्री के लिए 2.2 के आसपास। स्टॉप नीचे रखेंगे $2 के आसपास और टारगेट हमारे पास एक तो $39 और $5 के आसपास रहने वाला है। इसके बाद ICP, ओके ICP ने रिजेक्शन दिया है इस पॉइंट पे। यहाँ पे मार्केट 85 पे आया था, 10 तक नहीं गया है, तो मैं स्टिल इस लेवल का वेट कर रहा हूँ। 4 आवर में देख लेते हैं इसको। इस लेवल पे हम फिर से री एंट्री देख सकते हैं अराउंड 53 to 55, और स्टिल टारगेट हमारा $100 के आसपास ही रहने वाला है, इसमें चेंजेस नहीं रहेंगे अभी भी। और मार्केट इसके नीचे ब्रेक करता है $52 के, देन हमें एग्जिट होना पड़ेगा। जब तक इसके ऊपर मार्केट है, या आप शॉर्ट टर्म में देखोगे तो यहाँ पर एक जस्ट फॉलिंग सा बना है, ये ब्रेक होता है तो शॉर्ट टर्म टारगेट 71 के आसपास हो जाएगा और मिड टर्म टारगेट आप लेके चल सकते हो 85 और 108 के आसपास में। तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन टाइप हो सकता है, बट $52 के नीचे नहीं रुकना है, क्योंकि अगर वो ब्रेक होगा तो फिर मार्केट $38 को टेस्ट करने जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना। शिबा इनू, ओके शिबा इनू ब्रेक नहीं कर पाया जो हेड एंड शोल्डर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, मार्केट नीचे ही फॉल करा है। तो मार्केट को इम्पॉर्टेंट ये है कि मार्केट वापस इस चीज़ को यहाँ पे ब्रेक करे ऊपर, नहीं करता है तो फिर आप करेंटली नीचे ही गिरेगा प्राइस, जो कि फिर 562 के आसपास यहाँ पे आ सकता है दोबारा इसी करेंट या कह सकते हैं लास्ट जोन के आसपास। यहाँ पे एक लोकल सपोर्ट है मार्केट को, लेकिन ये टिक नहीं पाएगा यहाँ से अगर कोई भी एकदम शॉर्ट डाउनफुल होता है तो। तो शिबा इनू में थोड़ा सा कॉशियस रहना इस पॉइंट के ऊपर। ट्रेजर मॉडल टी लेजर वॉलेट में सपोर्ट करता है, ट्रेजर में 12 सीटवर्ड आते हैं और लेजर में 24, नहीं 12 और 24 सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, 24 सपोर्ट हो जाते हैं। वो मैंने ट्राई करा था सॉफ्टवेयर वॉलेट से भी, पर हुआ नहीं था उस चीज़ का। बाकी इसमें थोड़ा सा डिटेल में और देखना पड़ेगा अगर कोई और तरीका होता है, क्योंकि मैंने जो यूज़ करा था उसमें तो नहीं हुआ। ICP USD 200 बाय द एंड ऑफ द ईयर, नहीं ICP आई थिंक $2000 तक जाना चाहिए जिस हिसाब से उसका चार्ट है। $200 तो मे बी शायद अभी हो जाएगा थोड़े टाइम में, बट मैं इसका चार्ट यहाँ पे हमारे पास 500 का है, बट जो रियल चार्ट है उसमें ये शायद $2000 गया था। बट इसके मार्केट कैप के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को देख सकते हैं ICP के। बाकी मेरे कहने पे मत जाना, मैं पहले ही बता दूं, क्योंकि मैं चीज़ों में बार बार एनालिसिस करता रहता हूँ, अगर कोई चेंजेस होंगे तो एनालिसिस करना पड़ेगा, और क्योंकि हम हफ्ते में एक ही बार लाइव करते हैं तो उसमें बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। अभी इसका मार्केट कैप 9 बिलियन पे है और फुल्ली डाइल्यूटेड 27 है, तो अगर मैं इसी को एक्सपेक्टेशन प्राइस भी पकड़ लेता हूँ कि 27 हमें देखने को मिलता है, तो 27,490,527,865 डिवाइड कर लेते हैं हम लोग इसके सर्कुलेटिंग सप्लाई से 162,642,081, तो $169 है करीबन करीबन यहाँ पर 27, बट इसको 50 बिलियन तक जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग मार्केट कैप को। बाकी देखते हैं कितना क्या मोमेंटम होता है, बट $500 तक का फिर भी आप मान सकते हो, जो इसका पिछला है इसको कम से कम ये टेस्ट कर सकता है यहाँ पर। वेपेक्स BTC, अच्छा वैक्स कॉइन, वैक्स सही मोमेंटम ले रहा है, अभी तो डाउनफॉल के अंदर है, आपको करेंटली यहाँ से गिरता हुआ ही मिलेगा, ये ज़्यादा भी कुछ नहीं है। इसका एक सपोर्ट है 0.025 और एक अच्छी जो रेंज हमें मिल सकती है बाय के लिए वो मे बी पॉसिबल है इस जोन के आसपास हो,
0.019, यहाँ पे दोबारा मिलता है तो एक बेटर डील मिल जाएगी बाई करने के लिए। बाकी थोड़ा वेट करना पड़ेगा इसमें कि आप मोमेंटम आते हैं, और इसके ऊपर ब्रेक करेगा 0.034 तो फिर लेके चल सकते हैं 0.8 के टारगेट के लिए। गोचेन शिटकॉइन है, अच्छा प्रोजेक्ट है और बुल रन में कितना आ सकता है। शिटकॉइन बिटकॉइन तो अब वो डिपेंड करता है कि टीम कैसा वर्क कर रही है, बाकी टेक्निकल वाइज तो क्या है ना आपके अलग से काम हो जाते हैं। शिबा इनू भी शिटकॉइन है बट चल रहा है फिर भी। गोचेन में अभी भी है तो करेंटली सपोर्ट के ऊपर ही मार्केट, आप यहाँ से भी देख सकते हो थोड़ा बहुत यहाँ से मार्केट का मोमेंटम आता है तो ये वाला 130.079 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना। स्टॉप हम डाल सकते हैं 0.03 के नीचे, तो करेंटली तो मेरे हिसाब से ठीक है मार्केट, बट इसके नीचे आता है तो फिर मार्केट करेक्शन लेगा और फिर 0.02 पे आएगा, तो करेंटली आप वेट कर सकते हो। अल्गो यूएसडी, ओके अल्गो ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, मार्केट इसको ब्रेक करके रिट्रेस करके पंप हुआ है, दोबारा से री एंट्रीज हम लोगों को मिलेंगी 1.7 से 1.8 पे। अगर यहाँ पे मार्केट टेस्ट करता है तो यहाँ पे री एंट्री कर सकते हैं, एंड इसके टारगेट के हिसाब से अगर आप बात करोगे तो फिबोनाची के अकॉर्डिंग टारगेट हमें $3.3 पे देखने को मिलेगा। तो मार्केट अगर आपका किसी भी कंडीशन में इस जोन में आता है तो यहाँ से हमारे टारगेट इस जोन तक देखने को मिल सकता है। फिर कैन वी स्टिल एंटर और होल्ड अल्टकॉइन सिंस यू से आफ्टर बिटकॉइन टॉप अल्टकॉइन टॉप विल कम। हाँ बट बिटकॉइन का भी टॉप हुआ नहीं है, और अल्टकॉइन के लिए तो आप बिटकॉइन डोमिनेंस देखा करो, वो ज़्यादा बेटर है। डोमिनेंस जब तक गिरेगी तब तक आपके अल्टकॉइन अच्छे परफॉर्म करेंगे, सिंपल सा रूल है ये। तो यहाँ से आप देख सकते हो जब से हमारी डोमिनेंस गिर रही है 30 जुलाई के आसपास से, बहुत सारे अल्टकॉइन ने अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है। तो अभी आपकी डोमिनेंस अगर $39 को ब्रीच कर जाती है किसी भी कंडीशन की वजह से तो मार्केट जो है वो इस लेवल तक फिर टेस्ट करने आएगा $35। इट मीन कि आपको अल्ट के अंदर और मोमेंटम देखने को मिलेगा, भले बिटकॉइन गिरे उस टाइम पर बट अल्ट्स में इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, खासतौर पर बिटकॉइन पेयर में। 40K तक आ सकता है क्या बिटकॉइन? आ सकता है, बड़ी बात नहीं है। अभी के लिए टारगेट यहाँ पे मिड टारगेट 43 है, लेकिन नीचे का टारगेट मेरा 41 के 42 के आसपास है, तो आप चाहो तो इसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अगर करते हो तो हाँ वही 40 से लेकर 42 के बीच में हो जाएगा फिर ये टारगेट, ये ले सकते हो आप यहाँ से और एक टारगेट इसको यहाँ पे ये वाला। बट अभी पहले देखते हैं कि ये करंट इस वाले सपोर्ट पे क्या एक्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग फिर हमें अच्छे से पता पड़ पाएगा। वेल्स मैनिपुलेट मार्केट, नहीं वेल्स मैनिपुलेट नहीं कर पाती इतने ईजिली, मार्केट की एक साइकिल होती है, मार्केट उसके हिसाब से चलता है। यहाँ पे देखा नहीं था वो अलग बात है कि मार्केट यहाँ पे आके क्रैश होगा, बट चलता है इतना, एक आध बार तो आपका स्टॉप जाएगा ही जाएगा। SMG ने बता दिया अभी कोई डीप कॉइन ले ले मार्केट, देखना पड़ेगा बहुत सारे कॉइन्स हैं, ढूंढ ढूंढ के निकालने पड़ेंगे। CHNG ये भी टॉप पर है, वेट करो इसमें भी कम से कम डिप एंट्री यहाँ तक तो आए 0.09, यहाँ पे आती है स्टॉप इसके नीचे दे सकते हैं और फिर टारगेट में 0.12 एंड 0.15 के आसपास लेके चल सकते हैं। S1 टोकन CDFI, इसका शायद हमने लास्ट टाइम देखा था, हाँ मार्केट इसमें डिप नहीं करा, डायरेक्टली यहाँ से पंप करा है। करेंटली अगर आप CDFI में जा रहे हो तो ये चीज़ का ध्यान रखें कि इसका ब्रेक अभी हुआ नहीं है और यहाँ पर थोड़ी दिक्कत आ सकती है वही डिसेंडिंग ट्रायंगल वाली, तो मेरे अकॉर्डिंग आप इसके वेट करो इसके ब्रेकआउट होने का, क्योंकि ये ब्रेकआउट नहीं होता है मार्केट यहाँ से बाउंस भी करता है तो रिजेक्शन मिल सकता है मार्केट को, तो इंपॉर्टेंट है कि मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकले। करेंट बाय जोन की अगर आप बात करते हो तो वो हमें इस जोन पर मिलेगा 2.3 के आसपास, यहाँ तक अगर प्राइस आता है तो। कैन यू डू एनालिसिस ऑफ सीरम? मैंने कर दिया। मोनोपॉट्स प्लीज, अच्छा मून पॉट, मून पॉट में अच्छा है अभी मोमेंटम है, $8 पे चल रहा है, लगभग $20 का हाई था रिसेंटली आपने बेचा हो तो बढ़िया है। मेरा अकॉर्डिंग अगर ये परफॉर्मेंस देता है आने वाले टाइम में तो इसके लिए आप टारगेट कम से कम $40 तक एज्यूम करके चल सकते हो, ये वाला हाईएस्ट। करेंटली एंट्रीज तो नहीं है, वैसे बहुत सारे लोगों को फ्री में भी मिले थे, मैंने इसका एक वीडियो बनाया था उस टाइम। तो यहाँ पर अभी हमारे पास एक करंट सपोर्ट है 7.7 से लेके 7.8 के आसपास, यहाँ पे प्राइस आता है स्टॉप देख सकते हैं 7 के आसपास और मोमेंटम चल सकता है। बाकी अगर आप इसके टॉप से देखोगे तो इसका ब्रेकआउट अभी हुआ नहीं है, ये जब भी ब्रेकआउट करता है तो मार्केट $20 को वापस हिट करने जाएगा और मेरे अकॉर्डिंग इस साइकिल में इसको $40 का टॉप एटलीस्ट यहाँ पे लगाना चाहिए, क्योंकि फिर सेकेंड टॉप बहुत ऊपर है तो कम से कम $40 तक ये एक्सपेक्टेशन रहेगी।
एक्सएलएम बता दो बीटीसी पेयर में वजीर एक्स 2024 तक कहाँ जा सकता है? पहले वजीर एक्स में डाउनवर्ड तो आने दो, उसके बाद 2024 की बात करेंगे। हमेशा चीज़ों को साइकिल वाइज देखो, कभी भी उसको ऐसा मत देखो कि कितना कितना जा सकता है। मार्केट कैप के अकॉर्डिंग आप डेटा निकाल सकते हो, वो अलग बात है। एक्सएलएम बीटीसी, ओके। एक्सएलएम स्टिल ट्रैप है मार्केट के अंदर। बीटीसी में अगर आप वापस रीबाय देख रहे हो तो 670 सतोशी के आसपास बेटर है, बट जब तक एक्सएलएम आपका ये ब्रेक नहीं करेगा, कौन सा लेवल है ये 851 सतोशी का, तब तक आपको अपर मोमेंटम देखने को नहीं मिल पाएगा। आई स्टिल हैव ईजी इन माई बाइनेंस आफ्टर ईजी हैकिंग, हाउ आई गेट द ईजी टू ईजी? कॉन्टेक्ट द ईजी टीम सिंपली, क्योंकि अगर आपके ईजी टोकन पहले चेंज हो गए होंगे तो ठीक है, नहीं हुए तो बाइनेंस को कॉन्टेक्ट कर लो पहले, उनसे बात कर लो, और अगर नहीं होते तो फिर आप डायरेक्टली ईजी की टीम से बात करके देखो। वॉट अबाउट आर एल सी? RLC अभी तो क्रैश हुआ पड़ा है, ये वाला एक वही सपोर्ट है जहाँ से हम लास्ट टाइम एक्सपेक्ट कर रहे थे। मार्केट आता है तो आप वापस से रिबाउंड कर सकते हो, नहीं तो मैक्स प्रॉब्ली फिर चांसेस रहेंगे कि मार्केट इस वाले जोन को हिट करे यहाँ पर। तो ये करंट सपोर्ट है, यहाँ पर अगर कोई चेंजेस मिले तो आप ट्रेड ले पाओगे, नहीं तो फिर मार्केट इसको इस तरह टेस्ट करके फिर पम्प करेगा। तो RLC में भी आपको थोड़ा सा टाइम यहाँ पर लगने वाला है। फ्रंट मैंने बता दिया, RLC हो गया, पोल्स देख लेते हैं। पोल्स के लिए करंट जो सपोर्ट जोन है वो है 1.5 के आसपास में, और स्टॉप आप देख सकते हो अराउंड 1.4 के नीचे। बाकी टारगेट इसका 3.6 के आसपास ही रहने वाला है, तो मार्केट अगर इसको होल्ड कर रहा है इस जगह पे तो स्टिल हम लोग टारगेट 3.7 के आसपास रख के चलेंगे। बाकी इसका कभी भी स्टॉप हिट होता है तो फिर सेकेंड बाय जोन में $1 के आसपास दोबारा से मिल जाएगा। TLM ने मोमेंटम अच्छा दिया था, एक्सपेक्टेशन पूरा था कि मार्केट खींचेगा, बट अभी तो ड्रॉप कर गया है इस पॉइंट पे। तो यहाँ पर अब बेसिकली बाय जोन तो आपका बहुत ज़्यादा नीचे है दोबारा से, अगर आप बाय के लिए देख रहे हो, बट मेरा अकॉर्डिंग ये है कि मार्केट अगर वापस इसको रिकवर कर पाता है इसके ऊपर तो फिर मार्केट इसको टेस्ट कर लेगा आने वाले टाइम में। तो अगर आपने ऊपर भी बाय करा हुआ है तो आप होल्ड कर सकते हो, बाकी अगर आपको कभी निकलना है तो फिर ये वाला एक जोन होगा 0.12 का, जहाँ पे कि आपको रीबाय देखने को मिल सकता है मार्केट में। ये वाला मोमेंटम इसके बाद फिर देख पाएंगे। TWT TWT सही जा रहा है करेंटली, आपका मार्केट एकदम सपोर्ट लेवल पे बैठा है, इसको ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। यहाँ से अगर आप TWT के टारगेट देखते हो तो अप्रोक्स $3.5 इसका मेजर टारगेट रहेगा हमारे लिए यहाँ पर। 1 inch प्राइस इन 2025, अभी इस साल का तो पहले प्राइस आ जाए, फिर 2025 की बात करेंगे। मैं हमेशा यही बोल रहा हूँ, आप जो भी प्राइस प्रिडिक्शन कर रहे हो उसमें पहले साइकिल्स कंप्लीट होने दो, क्योंकि जब साइकिल्स आपके पास होती है ना तो आप आराम से जज कर सकते हो। जैसे ये आपके पास साइकिल है बिटकॉइन की, तो इसकी साइकिल के एजम्पशन से आप दूसरी साइकिल का टारगेट निकालते हो, लेकिन इसके बाद कोई साइकिल नहीं है। अगर बिटकॉइन यहाँ से शुरू हुआ होता फॉर एग्जाम्पल यहाँ से, तो आपके पास कोई साइकिल नहीं होती तो आप उसका टारगेट नहीं निकाल सकते। उसी तरीके से अगर आप किसी कॉइन में जा रहे हो, जैसे 1 inch है, तो अभी तक इनके टॉप या वो लगे नहीं है, अगर हम इसको लेके भी चलते हैं यहाँ पर, ओके। तो अभी इसकी साइकिल में क्या है, सिर्फ एक बुल मार्केट और एक बियर मार्केट है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। तो इसकी साइकिल को एक बार कंप्लीट होना पड़ेगा, तब जाके हमें पता पड़ेगा कि मार्केट कितना क्या मोमेंटम दे सकता है। जैसे डॉट की भी साइकिल नहीं है, अब उसको आप कंपेयर कर सकते हो भले दूसरी साइकिल से, तो यहाँ पर है। बाकी ये वाला लेवल ब्रेक नहीं हुआ जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, तो करंट मार्केट नीचे आ रहा है, तो आपके पास दोबारा से जो बाय जोन है वो एक्सपेक्टेड है 2.3 के आसपास में। यहाँ पर अगर मिल जाता है तो वेल एंड गुड जोन रहेगा, और यहाँ से फिर हमें बाउंस बैक देखने को मिल जाएगा। बाकी करंट साइकिल के हिसाब से आप देखोगे तो हमारा टारगेट $21 है, और इसके बाद फिबोनाची का जो लेवल्स है वो है $1300। अब मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि वहाँ पर जाएगा, लेकिन जैसे बता रहा हूँ कि अगर ये साइकिल इस तरह फॉर्म हो रही है ये, तो कम से कम ये $100 तक टेस्ट कर सकता है आने वाले टाइम में। अब वो इस साइकिल में होगा, अगली साइकिल में होगा, वो हमें आगे डेटा आने पे पता पड़ेगा।
C98 मैंने बता दिया, S fund बता दिया। सर क्या ट्रेडिंग में मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं या यूट्यूब चैनल खोलना ज़रूरी है? क्या करियर है या साइड बिजनेस होना चाहिए? देखो मंथली इनकम हो सकती है, बट उसके लिए आपकी कह सकते हैं आपके पास स्किल्स अच्छी होना चाहिए। अगर आपको प्रॉपरली सारी चीज़ें समझ आती हैं कैसे मार्केट मूव कर रहा है। अब जैसे उसी दिन की बात मैं बताता हूँ, ये मार्केट क्रैश करके गया है, आप सभी ने देखा ही था, मतलब अच्छा खासा लॉस भी लोगों ने बुक करा है। ये मार्केट क्रैश हुआ, एक्सपेक्टेशन नहीं थी, क्रैश हुआ, तो यहाँ पर अब सब लोग लिक्विडेट हो गए इतने से मोमेंटम के अंदर, तो ये चीज़ आपको ट्रेडिंग से जस्ट आउट कर देगी अगर आप लिक्विडेट हो गए या कुछ भी हो गया, क्योंकि फंड खत्म तो आप मार्केट से बाहर। अब बहुत सारे लोगों के मैसेज आने लग गए कि हमारा लिक्विडेट हो गया, आप क्या करें कैसे करें, तो मैंने वही बोला कि आपने स्टॉप नहीं लगाया। पहली दिक्कत तो यही आती है कि स्टॉप लगाते हैं, दूसरा कि कभी मनी मैनेजमेंट करते नहीं है। अब इसमें मेरा भी लॉस हुआ है, लेकिन इतना ज़्यादा लॉस नहीं हुआ कि लिक्विडेट होना पड़ जाए, मतलब वो लॉस इतना था जो कि पहले से डिसाइड था या उसके आसपास में था, तो वो चीज़ बहुत इनइफेक्टिव रहती है। तो आपको पहले ट्रेडिंग की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है और आप डायरेक्टली मार्केट में कूदते हो तो आप कभी सर्वाइव भी नहीं कर पाओगे। तो आप चाहे ट्रेडिंग से मंथली इनकम जनरेट करो ना करो, पर ट्रेडिंग को पहले सीख लो ढंग से। इनकम आना कोई बड़ी बात नहीं है, आप 4 पॉइंट पकड़ो, 10x हो गए तो 40x ऐसे ही हो जाएगा, फिर डेली ट्रेडिंग की भी या मंथली ट्रेडिंग की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको एक बार CHR बताया था, आपको याद होगा CHR, मैंने जिस एंट्री पे आपको बताया था ऑलमोस्ट वहाँ से वो 10x हुआ था इसमें। तो आप खुद देखो कि जो आप पूरे महीने में पैसा निकालने वाले थे वो कुछ ही दिन में आपको मार्केट ने निकाल के दे दिया। तो इसी तरीके से मोमेंटम आते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, आप धीरे धीरे चेक करोगे तो आपको सब में चीज़ें पता पड़ जाएंगी। बाकी यूट्यूब तो ऐसा है कि अगर आपको लगता है आप कर सकते हो तो करो, क्योंकि इसमें रेगुलर का कंटेंट चाहिए। और आप इवन दैट देख सकते हो मैंने 1300 वीडियो अपलोड करी हैं, उसके बाद भी हमारे पास अभी जो ज़्यादा मेंबर्स हैं वो ऐड नहीं है। तो ये हैवी वर्क है, इसमें एडिटिंग करना सारी चीज़ें हैं, तो आपको टाइम लगेगा। बाकी देखो साइड बिजनेस होना ज़रूरी है, क्योंकि मैं खुद बोलता हूँ कम से कम अपनी 7 इनकम सोर्सेज बनाओ। अगर आपने 7 इनकम सोर्सेज नहीं बनाई है तो आप कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाओगे। आपके पास 7 इनकम सोर्सेज चाहिए ही चाहिए। क्या वो हैंग हो गया क्या? तो ट्रेडिंग को मैं बोलूँगा कि पहले आप अच्छा कैपिटल बना लो, एक बार जब आपका कैपिटल बन जाए फिर आप ट्रेडिंग करते रहो, पर स्किल्स को एक्वायर करके करो, बस इतना ही है इसके अंदर। पास्ता फाइनेंस मैंने बता दिया, बैट एयर सुशी, बैट में फिर से रिजेक्शन देखने को मिला है, तो करंट सपोर्ट आपको यहीं पे मिलने वाला है दोबारा से इसी जोन पे 0.07। सुशी की बात करते हैं, सुशी में हमें $9 के आसपास रहेगा सपोर्ट, यहाँ पर मार्केट आना चाहिए। अगर यहाँ तक मिलता है तो फिर हम दोबारा से 14 और $22 करेंगे इसके लिए। एस फंड मैंने बता दिया, ऑनटो 1 USD देख लेते हैं। ओह, ऑनटो ने लपक के धोखा दिया। देखो मैं इस तरीके के मोमेंटम की बोल रहा हूँ, अगर ऐसे में ट्रैप हो जाओगे तो यहाँ पर आपको अब सपोर्ट दोबारा से इस जगह पे मिलेगा लगभग 0.8 से 0.9 के बीच में। यहाँ पे मार्केट आता तो बेटर रहेगा, ये वाला हेड एंड शोल्डर तो वर्कआउट नहीं कर पाया है, फेल हो गया है। तो यहाँ से फिर हमारा टारगेट स्टिल सेम ही रहेगा $2.7 का, बस यहाँ पे मार्केट बाउंस करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हमें कोई भी बाय एंट्री मिलती है इस जोन के आसपास, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी मिलती है तो चलेगा, तो मार्केट को हम फिर से $2 के लिए ट्राई कर सकते हैं। वांचिन की अगर आप बात करते हो, वांचिन का सपोर्ट है 0.8 के आसपास, यहाँ पर आपको मिल सकती है एक एंट्री इस जोन पे 0.8। यहाँ पे अगर एंट्री मिलती है तो हमारे पास टारगेट हो जाएगा $1.5 and $2.4। ट्रस्ट वॉलेट मैंने बता दिया, पॉन्ड देख लेते हैं। पॉन्ड पे ध्यान रखना, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था लास्ट लाइव में, आप देख सकते हो मैजिक 87 क्या ज़्यादा ही गया है ऑलमोस्ट। अगर मैं इस लेवल से पकड़ूँ तो 100% का इसमें रिटर्न आपको देखने को मिला है पॉन्ड में। एंड इवन दैट ये स्टार्टिंग लग रही है मेरे को इस मार्केट की, जैसे मैंने कहा कि साइकिल इसकी स्टार्ट हुई है, तो पहला बुल रन डाउन ट्रेंड, अब सेकंड बुल रन डाउन ट्रेंड, थर्ड बुल रन जहाँ पे कि ये ख़त्म होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप फिबोनाची के हिसाब से भी निकालते हो तो कम से कम $1 इसके लिए अभी का टारगेट रहेगा हमारा इस साइकिल की, मैं एटलीस्ट $1 तक पॉन्ड यहाँ पे खींचना चाहिए।
बाकी बाय जोन की आप बात कर रहे हो तो अभी के लिए करंट बाय जोन है 0.1 से 0.1, जहाँ पे भी करंट प्राइस चल रहा है। एंड दोबारा से अगर बाई चांस गिर जाता है तो 0.08, तो ये दो लेवल्स पे आपको ध्यान देना पड़ेगा ऐसे बाय जोन। क्यूटम यूसी 15 से लिया है, किस पॉइंट से एग्जिट करें? क्यूटम यूएसडी, अगर आपका मार्केट $11 के नीचे जाता है तो फिर एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि इस पे जब तक मार्केट टिका रहेगा, मतलब ये पूरा जोन आप मान लो, सॉरी $10 तक, यहाँ पर $10 के नीचे जाता है तो इस जोन पे जब तक मार्केट टिका रहेगा या इस जोन में आता है तो हमें बाय अपॉर्चुनिटी फिर से मिलेगी, एंड टारगेट $34 तक स्टिल सेम रहेगा। रीफ बाउंस कर गया, नहीं तो हमारे पास ये वाला जो जोन है यही इसके लिए एक अच्छा बाय जोन है, 0.019 के आसपास में यहाँ पर है। स्टॉप 0.018 के नीचे देख सकते हैं, बाकी टारगेट 0.035 एंड 0.05 के आसपास में। एडा अब कितना जा सकता है? आडा का मैंने बताया कम से कम $5 तक इस साइकिल में हमें देखने को मिल सकता है वो। एलाइस, संडे, एलाइस में मे भी शायद आपको थोड़ा वेट करना पड़े, क्योंकि यहाँ पर तो आपके पास एक सपोर्टिव रेंज है। हमारा लास्ट टारगेट तो कंप्लीट हो गया एलाइस का, ये एक सपोर्टिव रेंज है, यहाँ से बाउंस मिलता है तो आप डेफिनेटली ले सकते हो ट्रेड, और इसमें स्टॉप आ जाएगा $11 के नीचे, तो यहाँ से टारगेट आपका $21 तक रहने वाला है। बाकी अगर दोबारा से प्राइस नीचे शिफ्ट होता है तो आई थिंक कि मार्केट कहीं ना कहीं $8 के आसपास फिर आएगा इसी रेंज में, जहाँ पर हमने लास्ट टाइम इसको देखा था। तो ये दो रेंजेस हैं, यहाँ पे अगर मार्केट का कोई भी बाउंस मिलता है, 4 आवर में कोई चेंजेस होते हैं $14 के अबाउट, तो हम ट्रेड ले सकते हैं फिर। एलआरसी ऑन्टो सेलर, एलआरसी देख लेते हैं। एलआरसी भी अपने सपोर्ट से ही बाउंस कर रहा है, इसमें आप कह सकते हो ज़्यादा चेंजेस नहीं है। यहाँ से अगर आप जाते भी तो आपका रिस्क होगा लगभग 17% और टारगेट है 29 to 65%, यानी कि 0.77 तक, इस वाले हाई तक। तो यहाँ पे आप इसको टेस्ट कर सकते हो। सेलर की बात कर लेते हैं, तो सेलर ने टारगेट कंप्लीट कर लिया है जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, थोड़ा सा इसने उड़ाया होगा क्योंकि हमारा सपोर्ट ये जोन था और यहाँ तक आया है, तो यहाँ पे आपका टारगेट अभी कंप्लीट हो गया है। सेलर का नया जो टारगेट हमें मिलेगा, ये बुलिश है थोड़ा सा प्रोजेक्ट, तो अगर आपका सेलर 0.074 के ऊपर ब्रेक करता है तो करीबन करीबन 2x का रिटर्न और मिल सकता है हमें, तो 221 के आसपास की अगर बात करते हैं तो $0.23, और अगर आप फिबोनाची के हिसाब से भी देखते हो तो $0.28 तक कम से कम सेलर यहाँ पर जा सकता है। बाकी इस साइकिल में कितना जाता है वो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि $1 भी ज़्यादा दूर नहीं है इसमें, तो अगर वहाँ तक मार्केट मूव कर गया तो बेटर है। बट अगर आप साइकिल के वाइज देखो तो ये पहला था, ये दूसरा है और तीसरा है, तो तीसरा 0.5 तक अगर जाता है तो हम एग्जिट फिर होना स्टार्ट कर देंगे। ऑन्टो BTC, ओके, ऑन्टो BTC में अभी कोई चेंजेस नहीं है, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था मार्केट वैसे ही मूव कर रहा है। ये वाले एक इसको ब्रेक करा, टारगेट जो हमारा था वो कंप्लीट हो गया है, दोबारा प्राइस आएगा तो यही जोन पे हम दोबारा बाय देखेंगे, जो कि आपको इसी जोन में मिलने वाला है 1762 से 1860 के आसपास में, तो इसमें कोई अभी चेंजेस हुए नहीं है। AVAX, आवेलांच पे नज़र रखो, ये भी ब्रेकआउट कर रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये देखो आप कि यहाँ पे जो पूरा मोमेंटम बना है ना, ये इसको आराम से ब्रेक मारेगा, तो जितनी इसकी हाइट है 5x लगभग, यहाँ से हम 5x का टारगेट लेके चल सकते हैं। 529 की अगर आप बात करते हो तो कितना हो गया, $350 तक का टारगेट आ रहा है, और अगर आप फिबोनाची से निकालने की कोशिश करते हो तो पहला टारगेट $200 है, तो दो आई थिंक कि आप 180 से $200 में प्रॉफिट बुक कर सकते हो फिर इसका, यहाँ तक जाता है तो अगर आप 10 कॉइन भी होल्ड करते हो आज की डेट में, एंड $200 जाता है तो $2000 इट्स गुड इनफ अमाउंट छोटे अमाउंट के लिए भी। बाकी इसका रिटेस्ट अगर $58 पे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये बुल फ्लैग है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये इसका पोल है, ये आपका फ्लैग है, तो ये ब्रेक करेगा तो टारगेट $200 तक खींच सकता है। बेक USD, ओके, तो बेक यहाँ पे फेल हो चुका है पंप होने में, और ये जो ऊपर ब्रेक चाहिए था वो नहीं मिला है, ऑलमोस्ट हमारा टारगेट भी कंप्लीट नहीं हो पाया 3.3 के आसपास का। इसको रिमूव करता हूँ मैं दोबारा से, फिर से अगर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं मार्केट को, तो मार्केट का अब जो हमें बाय जोन मिलेगा
वो है 1.6 से लेकर 1.8 के बीच में इस जोन पे। यहाँ पर अगर ब्रेक आता है तो हम दोबारा से रीबाय कर सकते हैं स्टॉप 1.4 का डाल के, बाकी टारगेट स्टिल सेम ही रहने वाले हैं अपसाइड में। बट इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मार्केट का हैवी रेजिस्टेंस इस पॉइंट पर खड़ा हुआ है यहाँ पर $3, तो जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा मार्केट तब तक मार्केट को ऊपर जाने में दिक्कत होगी। तो मार्केट दोबारा ऊपर भी आता है तो वो रिजेक्शन मिल सकता है। अभी के लिए हम इसी के आसपास बाय जोन देखेंगे। आडा का मैंने बता दिया, पंक कॉइन पंक देखते हैं, और इसमें तो बहुत सारे पंक कॉइन हैं। $70,000 आई थिंक ये कोई NFT होगी फिर, अगर है तो फिर होल्ड करो, अभी तो ठीक है इसके अकॉर्डिंग, यहाँ से आप होल्ड कर सकते हो। $1,29,000 गया था यहाँ पे शायद, नहीं ज़्यादा ही गया था कुछ, $7,00,000 पे तो अभी चल रहा है ये। SRM मैंने बता दिया, TWT हो गया, OGN और ERIS, OGN BTC, OGN ने सपोर्ट तोड़ दिया ये वाला जो लास्ट हमने लगाया था ट्रेंड लाइन, सॉरी। करेंटली आप देख रहे हो तो मेरे अकॉर्डिंग यही जोन है जो होल्ड करना चाहिए मार्केट को। इसके ऊपर रहता था स्टॉप आप 1948 के नीचे रख सकते हो, टारगेट आपका 2700 और 3000 के आसपास आप लेके चल सकते हो। OGN में मे भी मोमेंटम थोड़े टाइम बाद आएगा, अभी तक तो हमें देखने को नहीं मिल रहा है, बट यहाँ पे मल्टीपल बाय जोन्स हैं इसमें। एक मिनट, इसको बड़ी टाइम फ्रेम में ले लेते हैं। मेजर बाय जोन आपको सतोशी के आसपास मिलेगा। अगर यहाँ पे आता है तो स्टॉप लॉस हम दे सकते हैं 1500 के नीचे, एंड टारगेट आपका वही 4000 के आसपास आप लेके चल सकते हो। तो ये आपका मेनली टारगेट यहाँ पे रहने वाला है। डेली में आप देखोगे तो बस डेली में थोड़ा बहुत अंतर है, यहाँ से 2-3 बिट्स हमें मिल जाएंगे इसमें। और अगर आपको एकदम श्योर ट्रेड खेलना है तो फिर आप ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने का वेट कर सकते हो। आयरिस, अच्छा आयरिस BTC है, इसमें दो टाइम है अभी पंप होने में। अभी जस्ट मार्केट ने इस वाले ट्रेंड को ब्रेक करा है जिसका पंप आपको देखने को मिला था, तो दोबारा से बाय जोन जो है आपका बनेगा 266 सतोशी के आसपास में। इसके आसपास मिलता है तो आपको शॉर्ट टर्म टारगेट्स के हिसाब से यहाँ तक मार्केट मूव कर जाएगा, 442 सतोशी, इतना आप देख सकते हो। फिर पॉन्ड BTC, पॉन्ड BTC में अगर आप फेबो के हिसाब से देख लो, क्योंकि अभी तो कुछ मिलेगा नहीं, बाय जोन के हिसाब से अगर मैं बात करता हूँ तो आपका बाय जोन इस जोन पे आने वाला है 222 के आस से लेकर 230, मतलब 220 से 230 सतोशी पे अगर मिलता है तो एक अच्छा बाय जोन बनेगा। शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट आप 400 सतोशी के आसपास देख सकते हो, फिर है 530 सतोशी, एंड मैक्सिमम टारगेट हम लेके चलेंगे लगभग 780 सतोशी यहाँ पर अभी के हिसाब से। बाकी फिर चेंज होता है तो फिर आपके पास 1200 सतोशी सबसे हाईएस्ट टारगेट होगा, जो कि इसका पिछला हाई ये टेस्ट कर सकता है। ओके EOS, ओके EOS पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया जो टारगेट था, और ये वाला रेजिस्टेंस से ही गिरा है, तो करंट सपोर्ट आपको यहीं पे मिलने वाला है 4.2 से $4.3 यहाँ पे आपको मिलता है, तो यहाँ से फिर से आप अपनी री एंट्री ले सकते हो, और स्टिल टारगेट सेम रहेगा 7.6 के आसपास में। इसमें ज़्यादा चेंजेस अभी हुए नहीं हैं। टेल समथिंग और ABT, AVX, AVX का मैंने बता दिया, EOS, BTC और AVA। BTC पेयर में भी अभी है ना ये स्ट्रगल कर रहा है थोड़ा सा, ये देख सकते हो, मैंने लास्ट टाइम आपको हेड एंड शोल्डर बताया था, उसके अकॉर्डिंग ये बार बार रिजेक्शन दे रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मार्केट 8250 सतोशी से 7000 सतोशी के बीच में आता है तो एक अच्छा जोन बन सकता है, क्योंकि मार्केट की जो अपर ट्रेंड लाइन है वो अभी तक ब्रेक हो ही नहीं पा रही है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो जब तक ये इसमें ब्रेकआउट नहीं मिलेगा यहाँ से, तब तक ये अपने पिछले हाई को टेस्ट नहीं कर पाएगा, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मार्केट इसको ब्रेक करे। और ये वाला एक लास्ट सपोर्ट है जहाँ पे अगर प्राइस आता है 8300 सतोशी के आसपास, तो फिर हम लोग को अच्छा दोबारा से रीबाय मिलेगा, एंड स्टॉप लॉस हम लोग 6000 सतोशी पे रख के चल सकते हैं। AVA की अगर आप बात करते हो, AVA USDT, आवे लंच, अच्छा नहीं AVA वो वाला है ट्रेवला, ओके मार्केट का मोमेंटम सही जा रहा है ऑलमोस्ट। अभी आपको दोबारा से बाय जोन मिलेगा 3.4 से लेकर $3.5,
टारगेट हो जाएगा 5.5 एंड 6.4 डॉलर। तो यहाँ तक का एटलीस्ट टारगेट आप मान के चल सकते हो मार्केट से, ये दो टारगेट। ईएसओ ने बता दिया, ये हो गया, सीटीएसआई हो गया, वीआईडीटी यूएसडीटी, वीआईडीटी यूएसडीटी इसका एंट्री निकल गया है, एंट्री इसका यहीं पे था। अब दोबारा से अगर आपको री एंट्री लेना है तो मेरे अकॉर्डिंग इसको ब्रेक करने का वेट करो 1.4। ये ब्रेक होता है तो मार्केट के अकॉर्डिंग आपका टारगेट 6 डॉलर तक फिर जा सकता है विट के अंदर। यहाँ पर या तो मार्केट ऐसे क्रैश करके दोबारा इस जोन में आ जाए तो एक बाय बनेगा, नहीं तो मार्केट इसको ब्रेक करके इसके ऊपर होल्ड करता है तो फिर 5 to 6 डॉलर तक आप इसका हाई टारगेट लेके चल सकते हो। ये सो गया CTSI बर्गर उमा, CTSI, अरे ओके, CTSI में हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया है ऑलमोस्ट 0.98 का। दोबारा से आपको नीचे एंट्री मिलती है तो एक जोन आपको मिलेगा इस पॉइंट पे 0.054। अगर यहाँ पे मार्केट आता है तो फिर से टारगेट यही होगा 0.9 के आसपास और 1.6 डॉलर। बर्गर की बात करते हैं, नहीं बर्गर ने भी ब्रेक कर दिया है नीचे, इसका भी ऑलमोस्ट टारगेट कंप्लीट हुआ है, पूरा तो नहीं हुआ 6.4। दोबारा से री एंट्री आपको मिलेगी 3.1 से 3.3 डॉलर के बीच में। उमा, ओके, तो उमा में मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मार्केट को यहाँ पे आने दो, एग्जैक्टली आ गया हमारे बाय जोन पे 10 डॉलर के आसपास। अब यहाँ से हम जा सकते हैं और स्टॉप 9 डॉलर के नीचे देख सकते हैं एंड टारगेट 32 डॉलर के आसपास यहाँ पे रहेगा हम लोगों के पास। थोड़ा सा अगर प्राइस में कोई गिरावट हो गई बाई चांस किसी भी कारण से तो सेकेंड बाय जोन फिर 7 डॉलर के आसपास मिलेगा, नहीं तो यहाँ से मार्केट को मोमेंटम आना चाहिए। भाई कोर्स ज्वाइन करना चाहता हूँ एंग्री बिनिया जी, तो आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हो या ईमेल कर सकते हो, अभी मैं ऑनलाइन हूँ तो आप टेलीग्राम करोगे तो मैं देख लूँगा। यहाँ पर आपका नाम मुझे यहाँ पर बता दो कमेंट में तो मैं देख लेता हूँ कि टेलीग्राम पर आप किस नाम से भेज रहे हो। बाकी वीडियो कॉल के लिए ज़रूर बोलना, अगर आप वीडियो कॉल नहीं करोगे तो स्कैम हो सकते हो, तो वीडियो कॉल हमेशा करो जब भी आप कोर्स के लिए बात कर रहे हो। एसफंड हो गया, GRT, IC, ICP, BTC, अभी इसमें स्ट्रगल पॉइंट यही वाला है जो हमने लास्ट टाइम भी ड्रॉ करा था, इसका ब्रेक होना इसेंशियल रहेगा मार्केट में ये जोन। तो ICP इसको जब तक ब्रेक नहीं करेगा आपके पास स्टिल चांसेस है कि मार्केट जिस भी लेवल पे आता है, जैसे अभी का करंट लेवल 0.011 और 0.95, ये दो लेवल हमारे बाय के रहेंगे। जिस दिन भी मार्केट इसको ब्रेक करता है मार्केट कहीं ना कहीं फिर 0.0030 तक यहाँ पे अपना टारगेट ले पाएगा। GRT में अभी तक ब्रेकआउट आया नहीं है पर हमारे बाय जोन पे आ चुका है मार्केट ऑलमोस्ट, एक सेकेंड, तो यही हमारा बाय जोन था 1795 के आसपास में। स्टॉप हम लोग देख सकते हैं 1490 के नीचे एंड टारगेट हमारा इसका टॉप ही रहने वाला है, तो इसके ब्रेकआउट के बाद रहेगा एक्चुअल में। इसके नीचे अगर मार्केट आता भी है तो हमें यहाँ पर एक फॉलिंग वेव सा मिल सकता है मार्केट में, अगर आप ये पैरेलल चैनल ड्रॉ करते हो तो इस तरीके से। तो इस चैनल के बीच, इस चैनल को जब भी ब्रेक करता है तो पहला टारगेट हो जाएगा 2200 के आसपास और फिर बाकी के तो हाइएस्ट टारगेट तक हैं। लाइक द वीडियो जल्दी, शुभ्रन जी थैंक यू, टेल समथिंग अबाउट AVX, मैंने बता दिया, LIS हो गया, XLM हो गया, XRP का बाय जोन। नॉर्मल कॉइन्स तो मैं रेगुलर ही कवर करता हूँ, XRP का जो मेजर बाय जोन था वो हमारे पास ये था, यहाँ तक प्राइस नहीं आया 0.7। करेंटली तो मार्केट यहीं से पंप हुआ है तो आप यहीं से देख सकते हो, अभी इसको करेंट बाय जोन मान सकते हो, स्टॉप आप 0.9 के नीचे देख सकते हो, यही करेंट बाय जोन होगा। 1.3 और 1.6 के दो टारगेट यहाँ पे रहने वाले हैं। TRB USD TRB का हमारा टारगेट तो कंप्लीट हो गया था पर दोबारा से अगर ये नीचे मिल जाए आपको 42 से लेकर 45 के बीच में तो फिर से टारगेट 67 के आसपास रहेगा, 67, 96 और 163, तीन टारगेट। EOS की अपडेट मैंने दे दी, S-Fund हो गया, डेटा हो गया, TLM हो गया, ORN भी आई थिंक हो गया। ORN और EGL का टॉप इस साइकिल में कितना हो सकता है, ORN एक बार चेक कर लेते हैं।
ORN का लास्ट स्टॉप था $28, और अगर आप इसको हिसाब से देखते हो, इसका 1.6 का भी टारगेट पकड़े तो आई थिंक $100 तक ये जाने की कैपेसिटी रखता है यहाँ पर, अभी $9 पे। बट इतना ज़्यादा ना भी माने, हम थोड़ा भी देखें तो $50 तक आप पकड़ सकते हो कि इस साइकिल का टॉप ORN में जा सकता है। तो मेरे हिसाब से इस पर थोड़ा आप ध्यान दे सकते हो। अभी तक इसका ब्रेकआउट हुआ नहीं है इस पॉइंट पे, ये भी बुल फ्लैग बना रहा है जैसे AVX ने बनाया था, और यहाँ पर आपको एक मेजर रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो जब भी आपका $10 के आसपास ये क्रॉस करता है तो मार्केट का पहला टारगेट आपका $17 हो जाएगा, ऑलमोस्ट 16 to 17, और दूसरा 27 तक टारगेट लेके चल सकते हो। तो इसके ब्रेक के बाद हमें यहाँ तक मोमेंटम मिल सकता है। EGLD की बात करते हैं, अरे ये एक्चुअली मैं यहाँ पे लिया था उस टाइम पे हम लोगों ने, चलो अभी तो मिस हो गया, कोई बात नहीं। अगर आप फिर भी देख रहे हो तो ये इसका ब्रेक हो चुका है, रिट्रेस अगर वापस होता है 230 से लेके $250, $20 का जो रेंज है इसके अंदर रिटेस्ट होता है तो आप वापस ले सकते हो। टारगेट में आपका जो पहला टारगेट सेट होगा वो होगा $600 के आसपास, अगर अभी भी आप देखते हैं, क्योंकि अगर आप इसकी डेप्थ के अकॉर्डिंग भी नापोगे तो 3x है, जो कि बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाएगा 3x में, तो लगभग कितना होता है ये 340 ना, $1000 यहाँ पर है। बट अगर आपको रिट्रेसमेंट मिलता है तो आई थिंक $600 तक का टारगेट आप ले सकते हो, 500 से 600 में आप निकल सकते हो। फिर इसमें SMT का मैंने बता दिया, AVX हो गया, RLC हो गया, SLP मैंने बता दिया, के बारे में बताया पिछले 4 महीने से रेगुलर डाउन। हाँ, क्योंकि मैंने बताया था ना वो गेम के अंदर उसी को यूज़ करते हैं करेंसी को। अगर आप एक्सिस में जाते हो, एक्सिस इन्फिनिटी, तो जब आप गेम खेलते हो ना तो आपको यही करेंसी मिलती है जिसकी वजह से वो डाउन हो रही है। तो उसमें जब भी मोमेंटम आएगा, जब उसकी सेल कम होगी तभी हो पाएगा, क्योंकि जो सेलिंग प्रेशर है वो स्टिल बहुत ज़्यादा है उसके ऊपर। अल्टूरा कॉइन, अल्टूरा में थोड़ा कॉशियस रहिएगा इस जगह पे, क्योंकि करेंटली ये रेजिस्टेंस पे बैठा है। प्राइजेस में डिप आता है तो हमें 0.02 से 0.17 के आसपास एक बाय जोन मिल सकता है, इस जोन के करीबन यहाँ पे मिलेगा तो वेरी गुड। इसके ब्रेक के बाद भले आप जा सकते हो और फिर आपका फिबोनाची लगा ही लो, आप जो भी टारगेट निकाल रहे हो, तो 0.22 तक का एक हाइएस्ट टारगेट फिर बनेगा इसके अंदर। एंड कौन सा है, ARWE, ये हाई पे है, इसमें तो आपको वेट करना पड़ेगा। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ तक प्राइस दोबारा आ जाए तो बेटर रहेगा, नहीं तो एक शॉर्ट टर्म जो आपको बाउंस मिल सकता है वो मिल सकता है 44 के आसपास में। तो दो आपके इस बाय जोन यहाँ पे मिलेंगे। दोस्त एक बार में लिखा करो यार, सबके क्वेश्चन रह जाएंगे नहीं तो फिर ऐसे। EOS XRP नेक्स्ट प्राइस इन बुल रन, EOS का तो टॉप ही पकड़ के अभी मान रहे हैं हम लोग। कहाँ चला गया, अरे भाई एक ही क्वेश्चन कितना लिख दिया आपने। चलो फिर आज के लिए इतना ही रखता हूँ मैं, देख लूँ किसी का और कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गया है मेन। मेरे पास 5000 गो चेन टोकन है लेकिन ट्रेजर मॉडल टी में नया फीचर आया है तो सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो सॉल्यूशन क्या है? आई थिंक वो ERC-20 चेन पे होंगे आपके, तो आप उसको भेज दो वापस एक्सचेंज के ऊपर मेरे हिसाब से, या फिर आप किसी दूसरे वॉलेट में उसको शिफ्ट कर लो वहाँ से अगर हो सकते हैं तो, नहीं तो फिर आप एक बार है ना ट्रेजर की टीम से बात करो, वो आपको हेल्प कर पाएंगे उसके अंदर। BCH USD अपडेट फॉर लॉन्ग टर्म, BCH में फिर से वही क्रैश देखने को मिला है हम लोगों को। करंट सपोर्टिव रेंज हमें मिल जाएगी 597 के आसपास, यहाँ पर अगर प्राइस आता है इस जोन के आसपास में 590 या 550 के बीच में, तो स्टिल अभी टारगेट 1500 रहेगा, बाकी तो फिर ऊपर का है वो हम आगे पीछे चेक करेंगे, बट अभी करेंटली इतना रहने वाला है। आप में से जो भी टेलीग्राम पे मैसेज कर रहा है मैं उनको लाइव ख़त्म होने के बाद रिप्लाई कर दूंगा। ट्रॉन का बता दूं, ट्रॉन पे नज़र है मेरी इस टाइम पे, ट्रॉन के अंदर मोमेंटम अभी ज़्यादा बेटर मिल रहा है कंपेयर टू अदर कॉइन्स। ये इसका एक बाय जोन था ट्रॉन का लगभग 0.09, करंट टारगेट अभी हम 0.15 या आप कह लो कि 0.16 तक लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे मार्केट होल्ड कर रहा है इस जोन के ऊपर, तो हमारा टारगेट 84% के लिए अपसाइड में रहने वाला है। SLP हो गया, डॉट हो गया, केक हो गया, मैं MA और सपोर्ट ब्रेक करता है तो फिर फ्यूचर में हाउ डू आई नो डेट वेयर शुड आई बुक प्रॉफिट।
नेपाली भाई देखो, मैं इंडिकेटर्स पे ज़्यादा ट्रेड ही नहीं करता हूँ, तो इंडिकेटर मेरे किसी काम के नहीं है। सपोर्ट ब्रेक करता है तो फिर आपको एग्जिट होना होगा, तो आपको वहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, दूसरे सपोर्ट के लिए फिर वेट करना पड़ेगा। पर्ल देख लेते हैं, फाला नेटवर्क। फाला कौन सा है? फाला नेटवर्क, फला नेटवर्क तो अभी स्ट्रगल में है अच्छा खासा, ये आप खुद ही देख सकते हो। तो जब तक आपका $1 ब्रेक नहीं होता, स्टिल नीचे रहेगा। एंड बाय जोन आपको देखने को मिलेगा 0.53 के आसपास में। एंड अगर आप पल की बात करते हो, ओके, पल भी इसको ब्रेक नहीं कर पाया इस पॉइंट पे अभी तक, 0.11 को। तो करंट बाय जोन जो हमारे पास मिलेगा वो आएगा 0.07 के आसपास। मतलब इस जोन में अगर पल आता है दोबारा से, तो एक अच्छी बाय बिट हमें देखने को मिल सकती है। ओके, ट्रॉन हो गया। रुपए में यहाँ पे चार्ट नहीं होते दोस्त, सारे डॉलर में होते, तो आपको 74 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऑलमोस्ट। ऑडियो का पता है 2x पर लॉन्ग है, लिक्विडेशन $1 है, ऑलमोस्ट 30% एग्जिट और होल्ड ऑडियो। कितने पे लॉन्ग है? लिक्विडेशन $1। $1 तो बहुत दूर है, मतलब $1 आपका कहाँ आ रहा है, यहाँ पे है। तो अगर प्राइस ड्रॉप भी कर गया तो 1.6 तक आएगा, और यहाँ पे इसको एक होल्डिंग पोर्शन देखने को मिल जाएगा इस जगह पे। बाकी नीचे आया नहीं, तो ये वाला तो हमारा गया प्राइस, इसी को होल्ड करके गया है। और आप चाहो तो इस ट्रेंड लाइन को भी यहाँ पे ड्रॉ करके रख सकते हो। तो मैक्सिमम गिरता है तो 1.9 से बाउंस आना चाहिए वापस से। इस लाइन के नीचे ब्रेक करता है तो फिर निकलना पड़ेगा। एक्स वाई ऑन कूपॉइन, XYO। नहीं, अभी एंट्री लेने से कोई सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि अब प्राइस निकल चुका है। दोबारा से कोई डिप अगर मिल जाए 0.002 तक, तब आप देख सकते हो। थीटा से तो मैं दूर ही हूँ इस टाइम पे, क्योंकि ऑलरेडी वो कितना 500x हो चुका है। ये देख सकते हो, मेरा अभी तक चार्ट वही है जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था 28 जुलाई को, कि प्राइस यहाँ पे हिट करके ड्रॉप करना चाहिए। अभी स्टिल वो है, यहाँ पे आता है तो एक सपोर्ट मिल जाएगा 5.2 के आसपास। उसके अलावा जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करेगा $9.4 के आसपास, तब तक मैं बुलिश नहीं हूँगा इस पर। GRT और ये सब मैंने आपको बता दी है। थैंक्स सर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आपकी वीडियो से समझ आ गया, मैं अपने एनालिसिस करना सीख रहा हूँ। वेरी गुड क्रिप्टो फ्यूचर भाई। वजीर एक्स, ओके, वजीर एक्स में फेक आउट मिला है, पंप नहीं आ पाया। तो लास्ट टाइम मेरा जो टारगेट था वो अचीव नहीं हुआ है, यहाँ पे आपका स्टॉप हिट हुआ होगा। एंड करेंटली अभी जो रेजिस्टेंस जोन है वो यही वाला है, $1.2। तो आपको थोड़ा वेट कर लो, अब प्राइजेस अगर नीचे आ जाते हैं $1.1 या फिर 0.8, तो आपको ठीक रहेगा, नहीं तो फिर अभी ऊपर के चांसेस कम ही रहेंगे जब तक मार्केट लिस्ट $1.3 को ब्रेक नहीं करता। सर प्लीज एक्सचेंज का कुछ अच्छे कॉइन बता दो जो लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकें। वजीर एक्स, BNB, CRO, मैं इन पर लाता हूँ एक सेपरेट वीडियो, ढूंढना पड़ेंगे मेरे को बैठ के। थैंक यू तहसिन फिरोज भाई, सॉरी अगर गलत नाम लिया हो। फोर्थ का मैंने बता दिया आपको, रिपल मैंने बता दिया है। सारे क्वेश्चन कवर कर पाना तो मेरे लिए भी अब मुश्किल हो गया है, बहुत सारे हो गए हैं। सेफ पर लाइट कॉइन एनालिसिस, LTC। लाइट कॉइन भी स्टिल स्ट्रगल कर रहा है थोड़ा सा। यहाँ पर आपको बाय जोन मिल जाएगा लाइट कॉइन में दोबारा से, $155। इसके आसपास आता है तो आप लेके 266, और इसका जो पिछला ही है वो टारगेट आप लेके चल सकते हो। DYDX USD, DYDX चार्ट डालने में टाइम लग जाएगा इसका थोड़ा सा। बाकी अभी करंट हिसाब से आप देखोगे तो स्टिल आपके मार्केट जब तक $11.6 के ऊपर नहीं जाएगा, तो ये नीचे गिरेगा और आपको दोबारा से बाय जोन $10 के आसपास में मिल जाएगा। चेन लिंक एंड FTX टोकन, FTX देख लेते हैं। FTX में भी अभी डाउनफॉल चल रहा है, आप करेंटली देखोगे मार्केट का जो मेन लेवल है वो है 76 से लेकर यहाँ पर इस जगह में, और ये अगर डाउनफॉल अभी करता है तो आप ये चीज़ ध्यान रखो कि आपका सपोर्ट लेवल लास्ट FT यहाँ पर है, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर 71 से वापस बाउंस आ गया तो वेल एंड गुड, ये ब्रेक हुआ तो फिर 65 तक आपको मिलेगा। लिंक का भी मैंने आपको रेगुलर वीडियोस में बताया हुआ है, लिंक USD। तो लिंक के अकॉर्डिंग अभी आप इसको नीचे आ दो 24-25 डॉलर तक, यहाँ पर दोबारा से ये एंट्री मिलेगी तो एक हमें अच्छी रेंज मिल जाएगी वापस $35 के लिए, 35 और $52।
वीचन मैंने बता दिया है, पर्ल बता दिया है, थीटा हम लोगों ने कवर कर लिया, सैंड देख लेते हैं। बस मैं 5 मिनट और रख रहा हूँ, फिर हम लोग लाइव को एंड करते हैं। अगर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप डाल दीजिए। सैंड का मैंने आपको लास्ट टाइम जो बताया था, मार्केट अभी वैसा ही मूव कर रहा है ऑलमोस्ट, इसको थोड़ा आप नीचे कर सकते हो। मार्केट को यहाँ पे होल्ड करना चाहिए इस जोन के ऊपर, लगभग 0.7 से 0.76। इसको होल्ड करता है तो आप यहाँ पे टारगेट लेके चल सकते हो सेंट का $2.85 तक। मार्केट यहाँ पे प्रॉपरली होल्ड करना चाहिए इस तरीके से, तो हम लोग यहाँ तक टारगेट ले सकते हैं। एंड स्टॉप 0.54 के नीचे में देखना पड़ेगा। डेंट में देखो टारगेट तो कंप्लीट हो गया, रिजेक्शन हुआ है। अब दोबारा से आप इसको नीचे आन दो, लगभग अभी के लिए सपोर्ट कहना तो मुश्किल हो पाएगा, पर 0.0035 के आसपास। फिर भी बुल रन अगर कंटिन्यू रहता है तो डॉट BTC का हाई टारगेट क्या होगा? डॉट अगर मान लो $500-600 जा पाता है तो फिर BTC की साइकिल भी अच्छा खासा मोमेंटम देगी। तो मेरे अकॉर्डिंग पहला टारगेट तो आप 0.018 पे सेट कर सकते हो, दूसरा 0.0047। तो लेट सपोज अगर आप 100 टोकन लेके चलते हो तो 0.0018 के आसपास 0.18 तक आपका BTC यहाँ पे बन सकता है इसमें। और ऊपर की बात करें तो हाफ बिटकॉइन के आसपास, अगर आपके पास 100 है और 0.004 तक 4-5 पे भी गया तो लगभग 0.45 के आसपास। तो ये वाला मेरा मेजर टारगेट होगा, पर आप फिर भी साइकिल के लिए ये टारगेट अभी मान के चल सकते हो 0.018। ICP हो गया, ये हो गया सेफ पाल का क्या है SFP। ओके, तो इसमें गंदा क्रैश आया हुआ है। लास्ट टाइम ने बाउंस अच्छा करा था, टारगेट से मिस कर गया 1.8। एंड अभी क्योंकि ये वाला लेवल ब्रेक हो रहा है यहाँ पर है, यहाँ पे आप दोबारा से रीबाय देख सकते हो, बट मैं इसको पूरा रिमूव कर देता हूँ एक मिनट। इसके लिए जो हम रीबाय देखेंगे वो इस जोन पे देखेंगे, 0.9 से लेकर 1 कितना है 0.95 के बीच में। इस जोन पे अगर हमें सेफ पाल वापस से मिल जाए तो फिर यहाँ से मार्केट अपने हाई को टेस्ट करने के लिए जा सकता है $3 का। इसके नीचे गया तो फिर मतलब नहीं है, तो स्टॉप आप 0.80 के नीचे आप देख के चल सकते हो। तो चलिए दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपके सारे क्वेश्चन कवर कर लिए होंगे। अब इतने सारे तो मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाते हैं कि कर पाऊँ, बस जितने कर सकता था उतने करें। बाकी जो भी क्वेश्चन रहेगा उनको हम आगे पीछे कवर कर लेंगे। कुछ जो वीडियोज़ के टॉपिक के सजेशन आपने दिए वो भी मैं देख लूँगा। अगर कुछ और भी सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं आगे पीछे चेक कर लूँगा और उन पर सेपरेट वीडियोज़ बना के आपको वहाँ पर दे दूँगा। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में